उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के रेलवे स्टेशन पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर मुरादाबाद मंडल की एनआरएमयू हापुड़ शाखा द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे कर्मचारियों की कई सूत्री मांगों को लेकर आज हापुड़ रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर एनआरएमयू के पदाधिकारियों द्वारा निम्न मांगे जैसी निजीकरण, नई पेंशन योजना खत्म करना, पुरानी पेंशन बहाल, बेसिक शिक्षा वेतन, पदों को सरेंडर बंद करना, रेलवे आवासों की स्थिति में सुधार और उनमें आवश्यक मरम्मत, नया जोन जारी किया जाए, हापुड़ क्षेत्र में पानी पीने की सप्लाई को लेकर होने वाली समस्या जैसी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं शाखा सचिव राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों की लोकल समस्याएं बनी हुई है, जैसे कि सरकारी मकानों की मरम्मत कराने को लेकर कई बार अवगत कराया जा चुका है, पीने वाले पानी की समस्या बनी रहती है, गंदा पानी घरों में आता है, लॉकडाउन लगने के बाद भी कई ऐसे विभाग हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है और समस्याओं को कई बार अवगत कराया जा चुका है, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। इसी को लेकर आज रेलवे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से शाहरुख खान की ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी जो मांगे हैं मेन तो लोकल समस्याएं हैं, जो रेलवे आवासों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और लेबर की कमी का बहाना बनाकर कोई भी काम नहीं कराया जा रहा है। जो पिछले जोन में काम कराने थे वो भी पूरे नहीं हुए क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन खुलने के बाद भी किसी भी डिमांड पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी मांगे चार चार साल से लंबित हैं। इसके अलावा रेलवे कॉलोनी हापुड़ में पानी की गंभीर समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, प्रेशर नहीं है, मकानों में ऊपर टोंटियों में पानी नहीं चढ़ पाता। हम लोग काफ़ी समय से कहते आ रहे हैं लेकिन जो नई पाइपलाइन बदलना तो दूर, उसकी मरम्मत तक नहीं की जा रही है। पूरी कॉलोनी में पाइपलाइन लीक कर रही है जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा। इसके अलावा गेटों पर भी पानी की समस्या है और अभी तक जो मूलभूत सुविधाएं भारत सरकार द्वारा वादा किया गया था टॉयलेट बनवाने का, वो भी काफ़ी जगह कार्यालयों में गेटों पर टॉयलेट अभी तक नहीं उपलब्ध हुए हैं, जबकि सरकार ने इसमें अरबों रुपये का जो खर्च किया। इसके अलावा हमारी जो नए साथियों की है कि नई पेंशन स्कीम को समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डीए हम लोगों का फिक्स कर दिया गया है, जबकि कोरोना काल में रेल के मजदूरों ने 24 घंटे काम किया है, आनी पानी बरसात के बिना फिक्र किए हुए पहले से ज़्यादा काम किया है। आज आप देख सकते हैं कि रेलें लेट नहीं चल रही हैं और जो स्पीड हमारी 90 किलोमीटर थी वो 120 किलोमीटर तक पहुंच गई है। ये सारे ही रेलवे कर्मचारियों की मेहनत का फल है। लगभग 400 आदमी इस वर्ष हमारे एक्सपायर हुए हैं और उन पर कंपनसेशन तो मिला है लेकिन कोई ठोस वो नहीं है कि उनके लिए कोई आधार दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए। तो आपकी मांगे आप लोग ऊपर अदालत अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं? हम इसको सीआरबी रेल मंत्री तक को अवगत करा चुके हैं, इसीलिए हमारे मंडल में आज फैसला किया गया। आज हमारी एजीएम भी है जो वर्चुअल चल रही है, तो हम इसीलिए फैसला किया गया कि आज सभी स्टेशनों पर धरना रखा जाए। यदि आप लोगों की मांगे जो है प्रशासन नहीं मानता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे मंडल मंत्री और महामंत्री जी के आदेश पर जो भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि तो कोरोना काल चल रहा है तो हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। हरिपाल मीना। हरिपाल जी, आप आज लोग स्टेशन पर धरने पर बैठे हुए, क्या मांगे हैं आपकी? निजीकरण के खिलाफ हमारा मतलब प्रदर्शन है और डीआरएम के नाम खुला पत्र है, जैसा कि हमारे को ऊपर से आदेश मिला है, तो उसके लिए आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। आगे अगर ये सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आगे जो भी ऊपर से आदेश मिलेगा उसके आधार पर हम रणनीति बनाएंगे। रेल रोकने का अगर प्रोग्राम बना तो रेल रोकेंगे। अभी शनिवार को हमारे महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा जी भी हापुड़ स्टेशन पर आए थे, उनने भी ब्रांच काउंसलिंग की और सबको मीटिंग करी, उनका भी यही आदेश था। क्या अगले एनपीएस के लिए हम फरवरी में एक डेट फिक्स करेंगे, उस दिन आपको सबको जंतर मंतर पर धरना देंगे हम। और एक चल रहा है यहाँ क्वार्टरों की हालत बहुत ख़राब है, लाइन पार जाओ पानी की व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन इतनी पुरानी है कि पानी पीने लायक नहीं है, काला पानी आता है और आईएन से हमने इतनी बार कही हाँ इस जोन में हो जाएगा इस जोन में, उसके बाद पता नहीं कितने जोन ख़त्म हो गए पर कोई काम नहीं होता, ना प्रशासन ऊपर सुन रहा है और यहाँ की बहुत मतलब मजदूर पूरे के पूरे त्रस्त है यहाँ की समस्याओं से, क्वार्टरों की, तो कोई मतलब कॉलोनी में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, आए दिन चोरी भी होती रहती हैं, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देता, पानी की सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा पानी का है,